हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उनका हमारी एवरीडे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, हम अपनी लाइफ के अंदर कहाँ पर केमिकल रिएक्शंस को देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे कुकिंग में, रेस्पिरेशन में, एक्सेट्रा। फिर हमने पढ़ा था हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने 5 तरीके की केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फाइनली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या हम इसे रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होती हैं, जैसे ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या इन दोनों में से कोई भी चीज़ अगर हो जाए तो हम उसे बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और रिडक्शन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाए और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड हो, तो हम उसे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं हमारी एवरीडे लाइफ में, द इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। जैसे पहला इफ़ेक्ट हम पढ़ेंगे कोरोजन। ये कोरोजन क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफ़ेक्ट है, और ये किस तरीके का इफ़ेक्ट है आइए पढ़ते हैं। कोरोजन इज़ ए नेचुरल प्रोसेस विच कन्वर्ट्स अ रिफाइंड मेटल टू अ मोर स्टेबल फॉर्म सच एज इट्स ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और सल्फाइड। कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें मेटल्स का कन्वर्जन इंक्लूड है, यानी कि मेटल्स जो हैं अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, उसके कन्वर्जन को हम कोरोजन कह सकते हैं। कि कोई भी मेटल है कुछ समय के बाद नेचुरली, नेचुरल प्रोसेस के दौरान उसमें कोई चेंज आ जाए तो हम बोलेंगे वो कोरोजन है, वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर दे, ऑक्साइड बना ले यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाए, हाइड्रोक्साइड बना ले या सल्फाइड बना ले, तो हम बोलेंगे कि ये कोरोजन है। अब इसको हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखो कैसे देखेंगे। जैसे कि आपने पुराना लोहा पड़ा हुआ देखा होगा, वो कुछ समय के बाद जब नया आता है तो वो चमक रहा होता है, और कुछ 2-3 दिन के बाद ही उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, उसके ऊपर कोई परत चढ़ना शुरू हो जाती है, उसे हम कोरोजन कहेंगे, क्योंकि वही मेटल उसके ऊपर की परत अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर रही है। ठीक है, तो इसे, इस कन्वर्जन को हम कोरोजन का नाम देंगे और ये कोरोजन कहलाएगा। अब मेटल्स का अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देना और फिर धीरे धीरे करके गल जाना, ख़राब हो जाना, ये तो एक गलत बात है ना। इसी गलत बात या ये इस चीज़ को रोकने के लिए कोरोजन इंजीनियरिंग होती है। कोरोजन इंजीनियरिंग इज़ द फील्ड डेडिकेटेड टू कंट्रोलिंग एंड स्टॉपिंग कोरोजन। कोरोजन इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें पूरा फोकस होता है कि कोरोजन को किस तरीके से स्टॉप किया जा सकता है या मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे मेटल्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को चेंज ना करें और वो कोरोजन के थ्रू ख़राब ना हो, गले ना। अब कोरोजन के कारण होता क्या क्या है? कोरोजन कॉजेज डैमेजेस टू कार बॉडीज़। जैसे कार आपने देखी होगी खड़ी रहती है और धीरे धीरे करके वो गल जाती है, उसका लोहा जो है, उसकी बॉडी जो है वो डैमेज हो जाती है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए कोरोजन इंजीनियरिंग एक फील्ड है जिसमें हम उसे स्टॉप करने की कोशिश करते हैं इंजीनियर्स। ब्रिजेस हो गए, आयरन रेलिंग हो गई, शिप्स हैं, एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली दोज ऑफ आयरन, यानी कि वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिस पे जो मेटल्स हैं, मेटल्स की बने हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स, और वो हम उन्हें रोकना चाहते हैं कि वो ख़राब ना हो और उसकी मैक्सिमम लाइफ हो। नेक्स्ट पॉइंट, कोरोजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग एंड इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन, यानी कि हर साल बहुत सारा पैसा
रिप्लेस करने में लगा दिया जाता है कि जो आयरन डैमेज हो चुका है उसको नए आयरन से रिप्लेस कर दिया जाए, और उसमें लगता है बहुत सारा पैसा। तो ये रस्टिंग जो है एक मेजर एंड सीरियस प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो आयरन के ऊपर कोरोजन होता है तो हम इसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स जिससे रस्टिंग को रोका जा सकता है। द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग। ये सारे मेथड्स हैं जिन मेथड्स को यूज़ करके रस्टिंग को रोका जा सकता है, कि उसके ऊपर पेंटिंग कर दी जाए या उसके ऊपर ऑयलिंग कर दी जाए या उसके ऊपर किसी और मेटल की, जो ऐसा मेटल है जिसके ऊपर रस्टिंग बहुत मुश्किल से लगती है, उस मेटल का कवर चढ़ा दिया जाए। तो ये एक बहुत ये मेथड्स हैं जिसके द्वारा रस्टिंग को रोका जा सकता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ये आपको याद रखना है कि रस्टिंग कैसे रोकी जा सकती है। तो ये पेपर में लिखेंगे आप बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग, ये मेथड्स हैं जिसके थ्रू रस्टिंग को रोका जा सकता है। इन मेथड से रस्टिंग मिनिमाइज होती है। अब एक और टॉपिक पेपर में पूछ लिया जाता है, जैसे गैल्वेनाइजेशन, व्हाट इज़ एन गैल्वेनाइजेशन। तो ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन ये मेरे नोट्स हैं, आप इसे कॉपी में नोट डाउन करें एज ए पॉइंट टू पॉइंट, और आप बुक से पढ़ें गैल्वेनाइजेशन के बारे में, और बहुत कुछ लिखा हुआ है बुक के अंदर। तो मैं गैल्वेनाइजेशन को डिफ़ाइन करता हूँ। गैल्वेनाइजेशन इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे किसी भी स्टील, किसी भी मेटल को प्रिवेंट करने के लिए हम दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ाते हैं, कि उस लेयर को चढ़ाते हैं जिसके ऊपर रस्टिंग कम से कम होती है, बिल्कुल नहीं होती है। उन मेटल्स के ऊपर, उन मेटल्स की लेयर को चढ़ाते हैं, जैसे जिंक है, जिंक के ऊपर रस्टिंग नहीं होती, तो जिंक की लेयर को हम स्टील के ऊपर चढ़ा देंगे, आयरन के ऊपर चढ़ा देंगे। इस कवरिंग करने के प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन मेथड कहते हैं, कि ये एक मेथड है दूसरे मेटल के ऊपर जिंक को चढ़ा देना, स्टील के ऊपर, आयरन के ऊपर रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए कोटिंग कर देना, चढ़ा देना मतलब कोटिंग कर देना उसकी। तो ये गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। अब जो नेक्स्ट इफेक्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारी एवरीडे लाइफ में, वो है रेंसिडिटी। ये रेंसिडिटी क्या होती है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डिट्रियोरेशन इन फैट्स एंड फैटी फूड इज़ ऑक्सीडेशन। यानी रेंसिडिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉज है डिट्रियोरेशन ऑफ फैट्स एंड फैटी फूड्स का। डिट्रियोरेशन ये जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? किसी खाने पीने वाली चीज़ जो होती है उसका ख़राब हो जाना, इसको हम डिट्रियोरेशन बोलेंगे, डिट्रियोरेशन ऑफ अ फूड। यानी रेंसिडिटी को अगर सिंपली डिफाइन किया जाए तो इसका मतलब ये होता है किसी खाने की चीज़ का ख़राब हो जाना। जैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये जो ब्रेड का पीस है वो इस जगह से ख़राब सा दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेंसिडिफिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ विच कैन बी डिस्क्राइब्ड एज रेंसिडिटी इज द प्रोसेस विच कॉजेज अ सब्सटेंस टू बिकम रेंसाइड, दैट इज हैविंग अ रैंक अनप्लेसेंट स्मेल और टेस्ट। तो किसी सब्सटेंस का ख़राब हो जाना रेंसिडिफिकेशन कहलाता है, और ये होता है ड्यू टू रेंसिडिटी। और जब रेंसिडिटी होती है तो क्या होता है, अनप्लेसेंट स्मेल आती है और उसका टेस्ट जो है वो बदल जाता है, टेस्ट भी उसका अच्छा नहीं लगता, बेकार हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या है? किसी सब्सटेंस का ख़राब हो जाना, अनप्लेजेंट स्मेल वो देने लगे, तो उससे बचाने के लिए हम क्या करें, उसकी प्रिवेंशंस क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या, तो पहला पॉइंट है ये आ जाता है पेपरों में कभी कभार, कि रेंसिडिटी के प्रिवेंशन किस तरीके से किया जा सकता है। तो स्टोरेज इन कलर्ड ग्लास कंटेनर्स प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स बाय रेज ऑफ लाइट। यानी उस सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए कलर्ड ग्लास कंटेनर में स्टोर करें, जिससे जो लाइट ही रे है उसके ऊपर नहीं पड़ेगी और ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये एक एप्लीकेशन थी ऑक्सीडेशन के, कि रेंसिडिटी एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट, वैक्यूम पैकेजिंग रिटार्ड्स रेंसिडिटी बाय एक्सक्लूडिंग ऑक्सीजन। अब वैक्यूम पैकेजिंग में क्या है, कि ऐसे पैकेजिंग कर दो उसकी, बाहर से कोई एयर उसके ऊपर, यानी कि बाहर की जो ऑक्सीजन है वो
उसके साथ रिएक्ट ना कर पाए, ऑक्सीडेशन ना हो, तो हम रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं उस सब्सटेंस को। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरली अकरिंग एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक विटामिन सी, बी, कार्बोटीन एंड विटामिन ई प्रोटेक्ट अगेंस्ट रेंसिडिटी। तो हम नेचुरली क्या कर सकते हैं रेंसिडिटी से किसी सब्सटेंस को बचाने के लिए, कि एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन बी है, कैरोटीन है, विटामिन ई है। इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करेगी और एसिडिटी से वो सब्सटेंस बच जाएगा ख़राब होने से। द नाइट्रोजन ऑल्सो सर्व्स एज ए कुशन टू मिनिमाइज ब्रेकेज ऑफ द चिप्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। जैसे एसिडिटी से प्रिवेंशन के लिए नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है उन पैकेजेस में जहाँ पे चिप्स आती है, जिसमें चिप्स आती है उसमें भर के रखी जाती है नाइट्रोजन गैस की, उसमें ब्रेकेज ना हो और वो ख़राब ना हो। इसमें नाइट्रोजन क्या करती है कि नाइट्रोजन ऐसा काम करते हैं वहाँ पर कि ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं होने देती चिप्स के साथ, एज ए लेयर की तरह काम करती है वहाँ पर, इसलिए नाइट्रोजन एक कुशन के रूप में यूज़ होती है वहाँ पर टू मिनिमाइज रेंसिडिटी और ब्रेकेज इन ए चिप्स। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स लिखे हैं, उनके सिंबल्स लिखे हैं जो आपको 10th स्टैंडर्ड में पता ही होना चाहिए एटलीस्ट कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमम इन कंपाउंड्स को याद रखें कि उनका साइंटिफिक नेम क्या है और उनके सिंबल्स क्या हैं। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर लिस्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 लिखते हैं, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कॉपर सल्फेट CuSO4। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपकी बुक्स में रैंडमली यूज़ हुए हैं आपको एक्सप्लेन, कोई भी एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए इन कंपाउंड्स का की मदद ली गई है। कॉपर सल्फेट CuSO4, ग्लूकोज HCl6H12O6, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसे, और इसका सिंबल होता है NaHCO3। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, अपने दिमाग में रखनी है कि कैल्शियम कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसे इक्वेशन में जब लिखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट ना लिख करके उसका सिंबल लिखा जाएगा CaCO3 ऐसे करके। तो ये चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है। सोडियम क्लोराइड टेबल्स सॉल्ट भी कहते हैं इसे, NaCl। तो जब आप इक्वेशन लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो वहाँ पर आप कंपाउंड का नाम नहीं लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, वहाँ पर सिंबल्स का यूज़ होता है केमिकल इक्वेशंस को लिखने के लिए, जैसे कि हम पिछली वीडियोज़ में बता चुके हैं। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट है NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, वाटर है H2O, इन सभी के सिंबल्स और भी आपकी बुक्स के अंदर दिए रखे हैं, वो सारे कंपाउंड्स के सिंबल्स याद रखें, उनको साइंटिफिकली क्या बोलते हैं वो भी पता होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की नॉलेज रखिए आप, और केमिकल रिएक्शन लिखने में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो दोस्तों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 के चैप्टर 1 की सीरीज़ में यह फाइनल एंड लास्ट चैप्टर था, जिसमें यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप इसे बुक से पढ़िए, ध्यान से एक एक शब्द को समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। इस वीडियो में ये चैप्टर समाप्त होता है, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर 2। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपकी नज़र में जो इस वीडियो से मदद ले सकता है उसको आप मेरी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।